बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का दरहम का एंड कतरी रियाल का रेट है जी, वो शेयर कर दूंगा मैं। बेसिकली दरहम कतरी रियाल एंड डॉलर के मतलब आपको मैं शॉर्टली बता देता होता हूँ कि पाकिस्तान ओपन मार्केट में इनका क्या भाव चल रहा है। और अगर आप यहाँ सऊदीया में रियाल कतरी रियाल सऊदी रियाल कतरी रियाल एंड दरहम सेम रेट में यहाँ चल जाते हैं सऊदीया में, डिफरेंट नहीं होता है इनमें। आम मैं अगर मैंने अक्सर भी शायद एक दो वीडियो में बताया, जो दमाम वाली पट्टी है ना, बकेक अल दमाम वाली, अलहासा वाली, वहाँ पर बकालों में कतरी रियाल या और ये रियाल सेम चलते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में सेम नहीं है ये। पाकिस्तान ओपन मार्केट में तकरीबन 2 रुपये या 2 रुपये प्लस तक महंगा है कतरी रियाल। और वैसे आज ओपन मार्केट पाकिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे से लेकर 73 रुपये 70 पैसे के अराउंड में ये रियाल का रेट चल रहा है। और मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बता दूँ, एक्सचेंज रेट जो है जी आज का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो है 74 रुपये 22 पैसे, इंडिया 22 रुपये 58 पैसे, बांग्लादेशी टका 31 टके 89 पैसे। और यानी कि आप देख रहे हैं ओपन सॉरी एक्सचेंज जो रेट है वो तो बेस्ट है, 74 रुपये 22 पैसे के राउंड में है। बहरहाल मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से जिक्र करते हैं। मैं तमाम दोस्तों को, तमाम प्रदेशियों को ये बात बताना चाहूँगा। कल मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, साथ में दिखा भी देता हूँ मैं, कि कल मैंने एक खबर पढ़ी जी कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो रही है। जी बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन ये एक चीज़ एक पिक्चर मुझे मिली है और घर से ही मिली है। और एक आप देख रहे हैं जी, एक बाकायदा ये आप मलापस बोल रहे हैं, सूट लिया गया जी, एक इसमें एक आप बोल रहे हैं शर्ट और दुपट्टा था, और इसमें बताना जो आपको चाहता था मैं वो चीज़ जो काबिले गौर, और वो सेल्स टैक्स हैं और 345 रुपये, 345 रुपये कितने के ऊपर, 1914, ठीक है, डिस्काउंट मार के ये सूट बना जी 1914 पाकिस्तानी रुपए का, इसके ऊपर 345 रुपये टैक्स डल गया। यानी कि 1914 रुपए के पीछे 345 रुपए टैक्स देना पड़ेगा आपको, तकरीबन 1900 के पीछे 350 के अराउंड में टैक्स है जी। और जो चीज़ें हैं जी वो सस्ती हो गई हैं जी, टैक्स के मामला तो आपने देख लिए हैं। तो ये चीज़ें यार, ये टैक्स के मामला तो भी देखें, जो भी चीज़ आप पाकिस्तान से ख़रीद रहे हैं बाय कर रहे हैं उसके मतलब नीचे डिटेल देखें, टैक्स कितना लगा हुआ है आपके ऊपर, और महंगाई महंगाई कम हो रही है तो टैक्स भी तो देखें ना किधर से किधर पहुंच गए हैं। बहरहाल ऐसे आज मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करते हैं जी। बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक की भाई अगर बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 41 पैसे, बहुत अच्छा रेट है, और 7 रियाल फीस है जी, ओनली 7 रियाल इनकी फीस है, और तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से ही 5-10 पैसे का डिफरेंट है, ये कोई डिफरेंट नहीं होता है। ये STCPA की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 28 पैसे और 0 रियाल फीस है जी, जो कि 2-3 मंथ से STCPA जो फीस है वो 0 ही चल रही है। या तहरीर राजीव बैंक की बात करें तो इनका भाई आज का रेट 73 रुपये 31 पैसे, अच्छा रेट है, 14 रियाल 17 रियाल यानी कि फीस के साथ तहवीद राजी। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो इनका आज का रेट है जी 73 रुपये 35 पैसे और 5 रियाल 75 हलाले इनकी फीस है, वेस्टर्न यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं। आगे मनीग्राम की अगर बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट 73 रुपये 35 पैसे ही इनका भी रेट है और 15 रियाल भाई इनकी फीस है मनीग्राम की। अगर इंजाज बैंक की हम बात करते हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट भाई 73 रुपये 33 पैसे और फीस इनकी 10, 17 या 23 ही होगी। आप भाई क्विक पे से भेजना चाहते हैं तो 73 रुपये 31 पैसे रेट है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक से अगर भेजना चाहते हैं 73 रुपये 32 पैसे रेट है। मोबाइली पे की बात कर लें 73.30। और अगर भाई आप फ्रेंडी से भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट 73 रुपये 27 पैसे है और फीस 10, 17 या 23 ही आपसे कट जाएगी।